इंदौर कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई में की गई शिकायत के निराकरण की सूचना सीधे आवेदक के मोबाइल पर भेज दी जाएगी। इसके लिए जनसुनवाई में आने वाले आवेदकों की शिकायत सीधे जन आकांक्षा पोर्टल पर दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर बदलते ही इंदौर कलेक्टर कार्यालय की व्यवस्थाएं भी बदलने लगी हैं। नवागत कलेक्टर लोकेश कुमार ने जनसुनवाई को प्रयोगों का अखाड़ा बना दिया है, जिसके तहत एक बार फिर जनसुनवाई की व्यवस्था में परिवर्तन किया है। दरअसल ये नई व्यवस्था जन आकांक्षा पोर्टल है। इस पोर्टल में आवेदकों की शिकायत दर्ज की जाएगी। पोर्टल में दर्ज शिकायत की रसीद भी दी जाएगी। शिकायत निराकरण का स्टेटस भी SMS के जरिए आवेदक को बताया जाएगा। ऐसा आपको अवगत होंगे कि हम लोगों ने एक नया पोर्टल जन आकांक्षा स्टार्ट किया है और इस पोर्टल में जनसुनवाई में आने वाले जितने भी आवेदक हैं और उनके आवेदन हैं, प्रत्येक आवेदन को हम रजिस्टर कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण होता है जो आवेदक जिस उद्देश्य आ रहा है कि एक तो उसकी प्रॉपरली सुनवाई हो जाए और जो भी वो कागज़ ला रहे हैं उसकी एक पावती उसे मिल जाए। तो अभी हमने एक नया सिस्टम यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है कि प्रत्येक जो आवेदक आ रहा है उसका आवेदन हम विधिवत दर्ज कर रहे हैं, उसको उसकी पावती दे रहे हैं, उसके बाद उसका जो आवेदन वो स्कैन करके फिर पोर्टल पे अपलोड करें। कुल मिलाकर देखना होगा कि तकनीक के माहिर माने जाने वाले नए कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव का ये प्रयोग कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।